यामी गौतम की इनसाइड मेहंदी पिक्चर्स और साथ ही इनसाइड शादी की सेरेमनी पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं और साथ ही पता चली है उनकी शादी की कुछ डिटेल्स। तो चलिए बता देते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। सबसे पहले तो ये पता चला है दैट यामी गौतम एंड आदित्य धर कुड हैव कंसील्ड देयर मैरिज बिकॉज उनकी शादी जो है पहाड़ों में कहीं हुई है। अभी तक लोकेशन भी एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल पाई है कि पहाड़ों में कहाँ हुई है, लेकिन मुंबई में नहीं हुई है, मुंबई के आसपास भी नहीं हुई है, पहाड़ में हुई है। इसलिए वो लोग चुपचाप गुपचुप शादी करने में, एक प्राइवेट सेरेमनी रखने में सक्सेसफुल भी हो गए हैं। वहीं अगर बात करें यामी गौतम की दुल्हन वाले अटायर की, तो उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दे ही चुकी हूँ, लेकिन उससे पहले भी मंडप की पिक्चर्स, जिसमें मंडप तैयार होता है, उसकी पिक्चर्स हमारे सामने आ गई हैं। और उस पूरे लुक में जो है यामी एक अलग रेड कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं। अपने जो शादी के दौरान है, फेरों के दौरान है, वो बनारसी सिल्क में एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो वहीं मंडप के दौरान वो बहुत प्रिटी सी जॉर्जेट में ऐसा लग रहा है जैसे रेड कलर की साड़ी है पहनी हुई है, जहां पर उनकी मम्मी खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है उनकी बहन सुरीली उनके पैरों में पायल बांध रही है। इसके अलावा उनकी मेहंदी पिक्चर्स भी आई हैं सामने, जिसको देखकर हमें लग रहा है दैट शी इज द प्रिटीएस्ट ब्राइड ऑफ बॉलीवुड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यामी की स्माइल कितनी खूबसूरत है। कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने खुद को एक्सेसराइज नहीं किया है, कुछ बहुत ज्यादा भारी कपड़े नहीं पहने हैं। देर इज नथिंग सो ह्यूज अबाउट द पिक्चर, बट हर स्माइल इज मेकिंग एवरीथिंग परफेक्ट अबाउट दिस पिक्चर। मेहंदी भी उनकी सादी सी लगी है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है बिकॉज शी इज लुकिंग द हैप्पीएस्ट एट दिस मोमेंट। तो ऐसे में यामी गौतम की इन इनसाइड पिक्चर्स को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।